जी, लास्ट टाइम हमने एक सिस्टम बनाया था डायनामिक टेबल फॉर्म, जो कि गूगल शीट से डायनामिकली लेता था डाटा और उसको एक ऑटोमेटिकली एक टेबल बनाकर दे देता था, जिसकी आप हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर लास्ट वीडियो भी देख सकते हैं। मैं लिंक लिस्ट में डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूंगा एंड आई बटन के ऊपर भी इसका लिंक दे दूंगा। आज हमने इसका अपग्रेडेड वर्जन यानी कि इसका बड़ा भाई बनाया है। इसका बड़े भाई के अंदर हमने बहुत सी चीज़ें ऐड की हैं। एक PDF का बटन हमने ऐड किया है, जैसे कि मैं अभी इसको आप चलते चलिए हम इसको देख ही लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहले क्या था कि हम एक ही शीट से सिर्फ डाटा लेते थे, अब हमने मल्टीपल शीट से डाटा ले लिया है। कहना क्या चाहता हूँ, आप यहाँ पर जितनी भी शीट्स बनाएंगे उनका डाटा आएगा। अब देखिए, मैं यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की शीट्स बना लेता हूँ। मेरे पास अब ये देखिए 5 शीट्स हैं और डाटा सेट 1 मैंने इसका नाम रखा हुआ है और यहाँ पर मेरे पास 3 कॉलम्स हैं। और ये देखिए, यहाँ पर जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली हमें कोडिंग के अंदर जाकर ऑप्शंस के अंदर शीट्स के नेम्स नहीं डिफाइन करने पड़ेंगे, यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। मैंने डाटा सेट 1 के अंदर 3 कॉलम्स बनाए हुए हैं और मैं यहाँ पर इनका जैसे ही डाटा मैं इनको लोड कर दूंगा तो ये देखिए हमारे पास वो सिस्टम आ चुका है, उनका पूरा एक टेबल बन के आ चुका है। और यहाँ पर हमने एक PDF डाउनलोड का बटन ऐड कर दिया है, फिर हमने कॉपी का, CSV का, PDF प्रिंट का भी ऑप्शन, यहाँ पर सर्चिंग यहाँ पर हमने की गई है जहाँ जिसके ज़रिए आप सर्चिंग कर सकते हैं, ठीक है। देन इसी तरह से आप अब देखिए, यहाँ पर अगर आप कोई भी चीज़ ऐड करना चाहते हैं सैम्पल, मैं इस पूरे को एज ए सैम्पल ले लेता हूँ। और मैं देखिए, यहाँ पर जैसे ही मैं आके इसको लोड आउट कर दूँगा तो ये देखिए सैम्पल मेरे पास ऑटोमेटिकली ऐड हो चुका है। सेम इसी तरह से अगर मैं एक और बारी ऐड कर देता हूँ और लोड डाटा के ऊपर कर देता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास एक और दफ़ा सैम्पल ऐड हो चुका है बिना कोडिंग के। इसी तरह से अगर हम किसी दूसरी शीट के अंदर जाकर हम शो करवाना चाहते हैं देन वहाँ पर भी हम ये कि अब हम शीट 2 के अंदर जाकर लोड डाटा कर लेते हैं तो वहाँ पर अभी सिर्फ एक सैम्पल है तो वो एक ही रो है। देन अगर हम यहाँ पर भी 2 से 3 रो बना देते हैं ऑटोमेटिकली तो ये देखिएगा यहाँ पर भी ये ऑटोमेटिकली सैम्पल्स आ जाएंगे, 3 बन चुके हैं। देन उसके बाद अगर मैं इसका चेंज करना चाहता हूँ, लेट्स सपोज अगर मैं चाहता हूँ कि ये मेरा भाईजान मेरे पास क्लास 10th क्लास का डाटा है और ये मेरे पास 9th क्लास का डाटा है और ये मेरे पास 8th क्लास का डाटा है और मैं इसे यहाँ पर 8th क्लास का डाटा है, ये मेरे पास 7th क्लास का डाटा है, 7th क्लास का डाटा है और ये मेरे पास 6th का डाटा है। अब देखिएगा, यहाँ पर मैं इसको ID दे देता हूँ और देखिए मैं सब कुछ शीट से कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं उसको नेम दे देता हूँ, यहाँ पर मैं मार्क लिख देता हूँ मार्क 1 एंड देन मैं इसे आगे ले जाता हूँ मार्क 2 पे, देन मैं मार्क 3, मार्क 4, मार्क 5। अब मैं यहाँ पे एक ID बना लेता हूँ जल्दी से, हम इसको जो डाटा है वो हम यहाँ पर 14 एक स्टूडेंट्स का बना लेते हैं। यहाँ पर मैं मेज़ 1 लिख देता हूँ, हम यहाँ से इंस्टॉल करके डाटा को दे आते हैं। अब मार्क्स 1 के अंदर मैं 12 लिख देता हूँ, इसके अंदर मैं 23 लिख देता हूँ, देन इसको मैं ले आता हूँ यहाँ पे, देन इसको मैं ले जाता हूँ कुछ इस तरीके से। देन अब मुझे ये देखिए 6th क्लास का डाटा है। अब मैं यहाँ पर जैसे ही अपने इसको वेब ऐप को रिफ्रेश करूँगा तो ये जैसे ही मैं यहाँ पर देखिएगा मेरे पास 6th क्लास का डाटा है और मैं इसको जैसे ही लोड करूँगा तो ये देखिएगा ये मेरे पास एक मार्कशीट बन के आ चुकी है। और आप इस तरह से बिना किसी कोडिंग के किसी भी क्लास की अलग अलग से मार्कशीट बना सकते हैं और यहाँ से ड्रॉप डाउन का उसका डाटा जो है वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं, इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं, आप इसका प्रिंट ले सकते हैं, देन उसके यहाँ पे आप उसकी एक्सेल फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। देन आप ये सब चीज़ों को कॉपी करके, और अगर आपने इन सब चीज़ों को कॉपी करना है और आप यहाँ पर ला के इसको अगर लिख भी दे यहाँ पर ला के अगर आप इसको डाल देते हैं तो आपको इन दोनों को आप यहाँ से अगर डिलीट कर देते हैं और आप हमने इसमें ऐड किया 7th के अंदर तो अब हमने 7th के अंदर जाएंगे लोड डाटा के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखिएगा ये हमारे पास 7th के अंदर भी वो सेम डाटा आ चुका है। अगर हमारे पास 8th के अंदर कुछ भी नहीं है, 8th के ऊपर मैं जैसे ही करूँगा नो डाटा अवेलेबल इन, ठीक है। तो ये आपने देख लिया, तो ये हमारा था आज का डायनामिक टेबल फॉर्म V2। वीडियो को पूरा देखने का शुक्रिया, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और यहाँ पर
देखिए हमने यहाँ पर फंक्शंस बनाया, एक गेट शीट का फंक्शंस बनाया है जो कि शीट का नेम ले रहा होगा डायनामिकली और गेट डेटाबेस शीट नेम का। और इसको सेटअप करने के लिए आपको क्या करना होगा, इस लिंक को आपने, मैं आपको इसका सेटअप का तरीका भी बता देता हूँ ब्लॉग्स को। जैसे ही आपने इसको सेटअप करना है, आपको ब्लॉग के अंदर इसका मुकम्मल तरीका दिया जाएगा। जब आपके पास ये ऑप्शन होगी तो आपने मेक अ कॉपी के ऊपर क्लिक करना है। देन जैसे ही आप इसको, मैं इसको आपको करके दिखा देता हूँ जल्दी से आपको इसका सेटअप, मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो जैसे ही मैं इसको एनीवन कर देता हूँ और डन करता हूँ, देन मैं इसे यहाँ पर आता हूँ। जब आपके पास ये लिंक ओपन होगा तो आपके पास व्यू ओनली का ऑप्शन होगा, ठीक है, आपके पास व्यू ओनली का ऑप्शन होगा। आपने फाइल के ऊपर क्लिक करना होगा, मेक अ कॉपी के ऊपर क्लिक करना होगा, यहाँ पर आपने रीनेम करना होगा और देन मेक अ कॉपी के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप ये प्रोसीजर कर देंगे तो ये आपको यहाँ पर जो है, जैसे ही आप इसको प्रोसीजर करते हैं तो इस तरह की एक शीट आपकी गूगल ड्राइव के अंदर, आपके ब्राउजर के अंदर ओपन हो जाएगी। नहीं, देन आप एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर ये देखिए आपने मेकअप कॉपी कर लिया, देन आपने ऐप्स के ऊपर क्लिक करके एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक करना है। एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक करके ऐप स्क्रिप्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये कोड आपके पास ऑटोमेटिकली पहले से ही होगा, ठीक है, इसके अंदर पहले से ही है। देन आपने सिंपली कुछ भी नहीं करना यहाँ पर। अगर आप अपना नेम चेंज करना चाहते हैं जो कि ये शो हो रहा है, वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। देन आपने इसको सिंपली रन कर देना। जैसे ही रन करेंगे ये आपसे परमिशन मांगेगा, ठीक है, तो आपने उसको परमिशन दे देना। देन डिप्लॉय के ऊपर क्लिक करके न्यू डिप्लॉयमेंट के ऊपर क्लिक कीजिएगा। न्यू डिप्लॉयमेंट के ऊपर क्लिक करके आपने यहाँ पर वेब ऐप के ऊपर क्लिक करके देन डिप्लॉय के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप डिप्लॉय के ऊपर क्लिक करेंगे तो एक इस तरह का यूआरएल आपके पास आ जाएगा, जो यूआरएल आप अपने क्लाइंट को, जिस भी आपको, आपने किसी को भी देना, आप उसको ये देख सकते हैं और वो यहाँ से आपका डाटा जो है वो व्यू कर सकता है। दिस इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर स्कूल्स, वेरी बेनिफिशियल फॉर यूनिवर्सिटीज, वेरी बेनिफिशियल फॉर योर बिजनेस। ओके, सो टेक केयर, मीट यू नेक्स्ट मीटिंग। अल्लाह हाफिज़।